आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। मसालों में एक अच्छी तेजी के बाद ऊपरी स्तरों से गिरावट देखने को मिली है। मसालों पर बाजार के जानकार केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया का कहना है कि अभी मार्केट में ऊंचे भाव पर कोई भी स्टॉकिस्ट खरीदारी नहीं कर रहा है। इस बार धनिया और जीरे की बुआई का रकबा कम हुआ है। मार्च के महीने में धनिया और जीरे की जोरदार आवके देखने को मिली है। अब आवके काफी कम देखने को मिल रही है और जो आपके आ रही है वो व्यापारियों के उम्मीद के मुताबिक नहीं है, इसलिए मार्केट में तेजी देखने को मिली थी। वहीं सोमवार को मसालों का बाजार हल्की गिरावट के साथ खुला था और बाजार बंद होते होते गहरे लाल निशान की तरफ ये चला गया। अजय केडिया का कहना है कि मसालों के फंडामेंटल्स तो मजबूत हैं, लेकिन ये जो अचानक से धनिया, जीरे और हल्दी में उछाल देखने को मिला है वो इस समय पर नहीं आना चाहिए था। ऐसी तेजी जस्टिफाइड नहीं थी। मसालों में तेजी का ही रुझान है, लेकिन अच्छी तेजी जून, जुलाई, अगस्त तक आएगी। इससे पहले ये जो तेजी बनी थी इससे संभल कर ट्रेड करने की जरूरत थी। वहीं अजय केडिया ने मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से पहले ही बता दिया था कि मसालों में ये जो तेजी बनी है ये स्थिर नहीं है और अचानक से कभी भी जोरदार गिरावट इसमें बन सकती है। वहीं धनिया में 4% से ज्यादा की निचला सर्किट है। वहीं जीरे में 3% से ज्यादा का निचला सर्किट और हल्दी में 4% का निचला सर्किट लगता दिखाई दिया। अजय केडिया के मुताबिक मसालों में लंबी अवधि में तेजी का ही रुझान है। धनिया 18,000 और जीरा 25,000 से 26,000 तक का लेवल दिखा सकता है, लेकिन ये अच्छी तेजी जून, जुलाई, अगस्त तक ही देखने को मिल पाएगी। फिलहाल मसालों के इस उठापटक वाले बाजार में संभल कर ट्रेड करने की अभी जरूरत है। तो बड़ी खबर पे अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।